गुड आफ्टरनून। आज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं उनके अंदर हम किस तरह से पैरामीटर पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने एक फंक्शन डिफाइन किया df(f1)। ठीक है, इसमें आपने पास किया ए और बी, दो वेरिएबल पास किए सपोज। ठीक है, और यहां पर तुमने इसकी बॉडी बना दी है फंक्शन की सपोज, या आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन बना दिया। जब तुमने फंक्शन कॉल किया f1, और उस f1 में पास किया 10 और 20। ठीक है जी, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो ये वाले पैरामीटर हैं ए और बी, इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो 10 और 20 हैं जो पास किए गए, ये हैं एक्चुअल पैरामीटर। समझ रहे? आपके जो 10 और 20 हैं, 10 एंड 20, इनको क्या कहेंगे? आपके एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, और ए बी क्या आपके फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। समझ में आया? तो आपके जो ये पैरामीटर्स हैं ए और बी, इनको फॉर्मल पैरामीटर, और जो 10 और 20 है इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये फोर टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स आर फोर टाइप्स। ठीक है, फोर टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला आता है पोजिशनल, पोजिशनल आर्गुमेंट। दूसरा है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, थर्ड है आपका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फोर्थ वन जो आपका वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ठीक है, चार कैटेगरी बनाई गई है इनकी। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपके पोजिशनल आर्गुमेंट्स की। पोजिशनल आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। सपोज आपने एक फंक्शन जो डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर जो भी ए और बी वेरिएबल पास किया आपने, इन ए और बी वेरिएबल को क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट्स या पैरामीटर बोल दो। ठीक है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट एक ही बात है। ठीक है, दूसरा जो आपने 10 और 20 पास किए, इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी आपके फॉर्मल पैरामीटर में जाती है। ये आपके एक्चुअल पैरामीटर किस में जाएंगे? फॉर्मल पैरामीटर में जाएंगे। इनकी कॉपी कहाँ जाएगी? ए और बी में जाएगी। ए और बी किस टाइप के हैं? फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर है? अब जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं 10 और 20, इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो इसको डिस्कस करते हैं अब, ठीक है, डिटेल में। सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। सबसे आसान है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ सब्सट्रैक्ट। ठीक है, मैंने इसमें पास किया ए और बी, और आपने लिखा प्रिंट कराया ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, और आपने इसमें पास कर दिया पैरामीटर 100 और 200। बोलो आउटपुट क्या आएगा? ए माइनस बी, यानी कि माइनस का 100 आ जाएगा आपका आउटपुट, माइनस का 100 आ गया। ठीक है, अगर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी 200 और 100 चेंज कर दी, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा या रिफ्लेक्ट होगा? ऑब्वियस है, रिजल्ट क्या होगा हमारा? चेंज हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 100। जब पहली बार आपने 100 और 200 पास किया, समझ रहे? जब पहली बार आपने 100 और 200 पास किया तो आपको क्या मिला? -100। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपने 210 पास किया, पोजीशन चेंज कर दी, तो आपका रिजल्ट इफेक्ट पड़ा।
है ना। तो ऐसे आर्गुमेंट्स को हम क्या कहेंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी कि जिस पोजिशन में है आप उसी पोजिशन में पास करें, ठीक है। अगर आपने इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम पैरामीटर अब तक पास किए हैं सारे के सारे पोजिशनल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इसमें दो पैरामीटर हैं और इसमें अगर आप तीन पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, तो ये एरर देगा। इसने एरर दे दी, इसने बताया कि सब टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ये खुद बता रहा है दो पोजिशनल आर्गुमेंट्स चाहिए इसमें, बट थ्री वर गिवन। ठीक है, हमने यहां पर कितने दिए, तीन। तो ये कंपाइलर खुद बता रहा है कि टू पोजिशनल पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं ये, 10 और 20, समझ रहे। ये 100 और 200 क्या आपके पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इनकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। ये समझ में आया पोजिशनल? ओके, अब बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। दूसरा कौन सा था, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। देखो हमने सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक फंक्शन डिफाइन किया विश, ठीक है। विश के अंदर हमने ले लिया नेम और मैसेज MSG, एक फंक्शन लिया और मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट हेलो, यहां पर दे दिया नेम और यहां पर दे दिया मैसेज, ठीक है, ये प्रिंट कराया। अब देखो कीवर्ड में क्या होगा, आपने कॉल कराया विश फंक्शन, विश फंक्शन आपने लिखा नेम, नेम में लिख दिया मैंने ओम, ठीक है, एक लिख दिया MSG में लिख दिया गुड मॉर्निंग सपोज। तो ये जो पैरामीटर हैं ये आपके कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड है नेम, उसकी वैल्यू क्या है ओम, MSG क्या है कीवर्ड है, उसकी वैल्यू क्या है गुड मॉर्निंग। तो ये जो नेम है आपका नेम वेरिएबल के अंदर जाएगा और जो मैसेज है ये मैसेज के अंदर जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो आपका प्रिंट हो जाएगा नेम हेलो, नेम ओम और मैसेज हेलो ओम गुड मॉर्निंग, ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने यहां पर ये क्या पास किया, कीवर्ड। आप ऐसे भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ओम लिख दो यहां पर, या गुड मॉर्निंग लिख दो, या नेम इक्वल टू ओम करके मैसेज इक्वल टू मॉर्निंग लिख के आप पास कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, आप कोई भी सीक्वेंस यूज करो, इसमें कुछ भी सीक्वेंस यूज करो, आउटपुट हमेशा यही आएगा। मैंने क्या किया, मैसेज को ये जो ओम था इसको कट किया यहां से और यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्या आपका मैसेज चेंज होगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यही आएगा आपका हेलो ओम गुड मॉर्निंग, समझ रहे, आउटपुट यही होगा क्योंकि यहां पर नेम दे रखा है हमने यही सेम, यानी कि मैसेज किस में जाएगा, मैसेज वाले में। देखो इसको समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, आप देखना थोड़ा ध्यान से। ये मैसेज आपका जो कीवर्ड है, ये मैसेज किस में जाएगा, मैसेज वाले में, और ये जो नेम है ये नेम जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी सीक्वेंस हो पैरामीटर की। हाँ, जब तक नहीं, इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब कीवर्ड पैरामीटर यूज कर रहे हो, ये कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब ये कीवर्ड है, इसकी वैल्यू है, नेम क्या है कीवर्ड है, इसकी वैल्यू है, सीक्वेंस कुछ भी रखो, मैसेज मैसेज वे में जाएगा, नेम नेम वाले में ही जाएगा, समझ रहे। चाहे ऑर्डर कुछ रखो या ना रखो, आपका आउटपुट सेम ही यही रहेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, आउटपुट चेंज हो गया था, 100 और 200 पास किया था तो उसमें से -100 आंसर आ रहा था, जब मैंने 200 और 100 पास किया तो वहां पर 100 आंसर आ रहा था, ठीक है, आंसर चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर मैं किसी भी ऑर्डर में रखू, मैंने पिछले जो ये वाला कॉल कराया था, ये वाला यहाँ पर, इसमें नेम पहले लिया था मैसेज बाद में, यहाँ पर मैसेज पहले नेम बाद में, तो आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, चेंज इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, क्लियर है। हाँ, ये कुछ भी चेंज, हाँ ये सिक्वेंस भी चेंज कर लो चाहे,
कोई जरूरी नहीं है, लो बात तो वही है, इसको भी चेंज कर लो, MSG, ठीक है। आउटपुट यही आएगा, पहले नेम आएगा और फिर मैसेज आएगा, एग्जीक्यूट करो, हेलो ओम गुड मॉर्निंग, यही आउटपुट आएगा। क्लियर है या नहीं? तो हम आर्ग्यूमेंट्स को एज ए कीवर्ड भी पास कर सकते हैं। ये आउटपुट क्यों आया? देखो यहां पर जब हम प्रिंट करा रहे हैं ना, सबसे पहले क्या प्रिंट करा रहे हैं? नेम। नेम की वैल्यू क्या है? ओम। ओम ही रहेगा नेम के अंदर, समझ रहे? ये कीवर्ड इस कीवर्ड से मैच हो रहा है, तो यानी कि नेम इस वाले नेम के अंदर ओम चला जाएगा। ये मैसेज है, मैसेज, इस मैसेज की वैल्यू इस मैसेज में जाएगी। जिस सीक्वेंस में आप प्रिंट करोगे, पहला आएगा हेलो, फिर नेम और फिर मैसेज। क्लियर है या नहीं? ओके। इनको बोलते हैं आपका कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैं पूछ रहा हूं, क्या ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट है? बोलो, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस ऑर्डर में ये पास किया उसी ऑर्डर में पास करना। जैसे ये मैसेज है स्टार्टिंग में, फिर नेम है, क्या मैसेज और नेम ऐसे ही पास करने हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चलो कुछ अब छोटी छोटी चीजें देखते हैं इसी के अंदर। आपको बताना है, मैंने एक फंक्शन लिया विश, ठीक है, उस विश फंक्शन के अंदर मैंने लिया नेम और मैसेज, मैसेज लिया, ठीक है, और प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट हेलो, और पास कर दिया इसमें नेम और MSG, और मैंने फंक्शन कॉल कराया। मैं पहला फंक्शन कॉल करा रहा हूं विश, इसमें पास किया मैंने ओम और दूसरा गुड मॉर्निंग, बोला आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं ये कॉल करा रहा हूं तो क्या आउटपुट आएगा आपका? यस, सेम आएगा, है ना, एग्जीक्यूट किया, हेलो ओम गुड मॉर्निंग, है ना, गुड। अब दूसरा बताना, मैंने इसमें पास किया विश, है ना, इसमें पास किया मैंने ओम और मैंने MSG दिया, इस बार MSG इज इक्वल टू मैंने दिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? एक आर्गुमेंट मैंने पोजिशनल दिया और एक आर्गुमेंट कैसा दिया मैंने? कीवर्ड वाला। तो क्या आउटपुट आएगा? सेम आएगा, है ना, हेलो ओम गुड मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट, इस बार मैंने फंक्शन कॉल कराया विश, पास किया नेम, पास किया नेम इज इक्वल टू ओम और मैंने मैसेज पास किया गुड मॉर्निंग, बोलो क्या आउटपुट आएगा? सेम। चलो देखो इस केस में क्या आ जाएगी? एरर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब हुआ? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा, है ना, इसमें सिंटेक्स क्या है? पोजिशनल आर्गुमेंट जो है आपका, ये पहले आएगा, फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ये सिंटेक्स एरर है इसकी। यहां पर क्या हो रहा है हमारे यहां पर? ये है कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद क्या आ रहा है? पोजिशनल आर्गुमेंट, ये हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट है, ठीक है। ये रिवर्स गलत है ना, आना क्या चाहिए था?
पहले हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट आना चाहिए था, देन आपका कीवर्ड, समझ रहे? अगर आपने एक बार कीवर्ड ले लिया उसके बाद कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट अलाउड नहीं है, है ना? इस तरह से कंपाइलर डिजाइन किया गया है इसका, पाइथन का, समझ रहे? अगर आपका एक बार सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट आ गया उसके बाद कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट अलाउड नहीं है, सिंपल ये रूल है इसका, ठीक है? तो यहां पर आपका रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है, पहले कीवर्ड आया उसके बाद ये आया आपका पोजिशनल, तो पोजिशनल पहले आएगा किससे? कीवर्ड से। हमने इसमें देखा था यहां पर क्या था, दूसरे विश वाले में, यहां पर इस वाले लाइन में ओम एक पोजिशनल आर्गुमेंट था, वो पहले आया किससे? आपके कीवर्ड आर्गुमेंट से। तो ध्यान रखना जब भी आप पैरामीटर पास करो तो उसमें देख लेना कि पोजिशनल पैरामीटर इससे पहले होने चाहिए कीवर्ड आर्गुमेंट से। समझ में आया नहीं? ठीक है, क्लियर है सभी के? तो ये ध्यान रखना सभी। है ना, क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं कौन से डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सपोज आपने एक डिफाइन कर दिया, सपोज विश ही ले लिया, विश फंक्शन। यहां पर तुमने एक नेम ले लिया, नेम, और नेम की वैल्यू दे दी ओम, समझ रहे? एक फंक्शन डिफाइन किया, ये अगर आपने यहीं पर ही एक कीवर्ड यूज कर दिया जिस टाइम फंक्शन बना रहे थे, तो उस आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे? ये आर्गुमेंट आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट हुआ, समझ रहे? चाहे आप कुछ पास करो ना करो, मैंने लिखा प्रिंट, फिर वही मैसेज दिया हेलो, है ना, और नेम मैंने दिया हेलो नेम सपोज, ठीक है? और फंक्शन कॉल कराया मैंने विश विश, ठीक है? अगर मैंने विश फंक्शन कॉल कराया, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा, जब आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो क्या माना जाएगा आपका? ओम। तो यानी कि नेम की जगह क्या आ जाएगा आपका? ओम। इसको एग्जीक्यूट किया हेलो ओम, क्लियर है? अगर आपने कुछ पास कर दिया, सपोज इस बार हमने पास कर दिया विश, है ना, मैंने यहां पास कर दिया शिव, ठीक है? अब क्या आर्गुमेंट आएगा, ओम आएगा या शिव आएगा, बोलो। देखो हेलो शिवा, अगर आपने आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, अगर आपने आर्गुमेंट पास किया है तो ये वैल्यू शिवा इसको ओम को रिप्लेस कर देगा, और इस नेम वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा? शिवा। नेम के अंदर क्या आ जाएगा? शिवा। अगर कुछ नहीं पास किया, अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया गया, तो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? ओम रहेगी, तो उसकी जगह क्या आएगा? ओम माना जाएगा, बोलो। क्लियर है? तो इस आर्गुमेंट को, ये जो आर्गुमेंट है आपका, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया, अगर कुछ नहीं है तो यही माना जाएगा, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, समझ रहे? अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, देखते हैं। जैसे सपोज आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू ली, एक फंक्शन लिया विश, है ना, विश के अंदर नेम ले लिया सपोज ओम, और एक ले लिया मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, ठीक है? गुड मॉर्निंग ले लिया आपने सपोज, ये एक फंक्शन लिया, इसके अंदर कितने डिफॉल्ट पैरामीटर हैं? इस वक्त विश फंक्शन के अंदर दो डिफॉल्ट पैरामीटर हैं, ठीक है जी? मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट हेलो, है ना, मैंने प्रिंट कराया हेलो नेम और एमएसजी मैसेज, ठीक है? और मैंने यहां पर पास किया विश फंक्शन कॉल कराया, विश फंक्शन कॉल कराया तो क्या आउटपुट आएगा, बोलो?
है, यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो ओम गुड मॉर्निंग, यानी कि इस नेम की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये, और मैसेज की वैल्यू ये। क्लियर है? नेक्स्ट, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी में ही। अब आपने क्या किया, वेरिएबल ले लिया नेम और यहां पर कॉल कराया विश और नेम पास कर दिया मैंने शिवा, क्या आउटपुट आएगा, ये शिवा कहां जाएगा, यहां पर इस नेम में। ठीक है, ये शिवा की वैल्यू कहां पर गई, इस नेम के अंदर, और मैसेज की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू यही थी, तो आ जाएगा हेलो नेम में शिवा, मैसेज में गुड मॉर्निंग। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं पास करूं, सपोज यहां पर मैंने मैसेज दे दिया गुड नाइट, अब क्या आउटपुट आएगा, हेलो शिवा गुड नाइट। अब क्या हुआ, आपकी ये जो नेम के अंदर वैल्यू गई शिवा, और ये गुड मॉर्निंग ने, गुड नाइट ने किसको रिप्लेस कर दिया, गुड मॉर्निंग को, ये गुड मॉर्निंग जो डिफॉल्ट वैल्यू थी रिप्लेस हो जाएगी गुड नाइट से। ठीक है, तो मैसेज क्या बनेगा फिर आपका, हेलो नेम शिवा मैसेज गुड नाइट, हेलो शिवा गुड नाइट, ये मैसेज बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक और बताओ, मैंने क्या किया, नेम बाद में लिया, मैसेज पहले ले लिया और बाद में लिया नेम, और मैंने पास किया, चलो यही पास किया, बोलो आउटपुट क्या आएगा, बोलो हेलो शिवा गुड मॉर्निंग। देखो इस केस में क्या आएगी एरर, ये कौन सा है, पोजिशनल है, पोजिशनल हमेशा इससे पहले आएगा, ये कौन सा है, कीवर्ड डिफॉल्ट है ना, किससे पहले आता है ये, हमेशा जो पोजिशनल होता है उसे हमेशा पहले लो, किससे, डिफॉल्ट से। पोजिशनल मस्ट बी बिफोर किससे, एक तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, कीवर्ड स्लैश डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दोनों से पहले होना चाहिए, पोजिशनल एलिमेंट मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्गुमेंट या डिफॉल्ट आर्गुमेंट से पहले होना चाहिए, अगर आपको बाद में मिला ये पोजिशनल, ठीक है, तो उस केस में एरर आएगी, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? ओके एक बार और रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से, जो हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, ठीक है, हाँ रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, हमारा अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर ले, 0 नंबर भी, 1 नंबर भी, 2, 3, 4, 5, कितने भी पैरामीटर्स दूं सबको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एक तरीका बनाया गया, एक मेथड बनाया गया, उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्टार एन। स्टार क्या है, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एन क्या है, कहां पर रखेगा, उस लोकेशन का नाम। तो आप जितने भी पैरामीटर पास करोगे, जैसे आपने इस फंक्शन में पास किया 10, 20, 30, 40, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, इन आर्ग्यूमेंट्स को आपने पास किया सम फंक्शन में, तो आपका जो सम फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल कैसे होल्ड करेगा इतनी वैल्यूज को, तो इंटरनली जो एन है ये इंटरनली टपल्स को इंप्लीमेंट कर रहा है, किसको, टपल्स को, इसने क्या किया है, जो 10 है ना, 20 आपका, 20, 30 और जो 40 है वो टपल्स के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट,
अगर दो पैरामीटर पास करोगे तो दो आ जाएंगे इसके अंदर, तीन करोगे तो तीन, ठीक है? तो ये कितने नंबर ऑफ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है आपका एन, किसमें इंटरनली क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, टपल्स, ठीक है? ये एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? इसको डिनोट करते हैं स्टार एन से, ठीक है? अब आपने एक प्रोग्राम बनाया कि सम निकालने का, कि मैं कितने भी नंबर डालूं उनका सम निकल जाए। तो मैंने पहले एक जीरो आर्गुमेंट पास किया तो आउटपुट क्या आया, जीरो। सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया, टेन को आपस टेन को खुद में जोड़ना था, तो टेन को खुद में जोड़ेंगे तो टेन ही मिलेगा। अब दो पैरामीटर पास किए, टेन और ट्वेंटी, तो टेन और ट्वेंटी किसके अंदर गए, एन के अंदर। तो एन की जो वैल्यू होगी टेन और ट्वेंटी हुई, एन की जो वैल्यू हुई टेन और ट्वेंटी। हमने क्या किया, लूप लगाया, लूप से पहला एलिमेंट लिया टेन, किसको दिया, ए को। सम जो टोटल किया, टोटल इज इक्वल टू, टोटल की वैल्यू जीरो थी स्टार्टिंग में, ए की वैल्यू टेन, टेन जीरो टेन, तो टोटल हो गया हमारा टेन। नेक्स्ट यहां से दोबारा फिर लूप गया, आपकी ट्वेंटी वैल्यू है, ट्वेंटी वैल्यू किसको साइन कर दी, ए को, ए की वैल्यू ट्वेंटी हुई, तो टोटल की वैल्यू कितनी थी, टेन, और ए की वैल्यू ट्वेंटी, टेन और ट्वेंटी आपका थर्टी हो गया, ठीक है, थर्टी हो गया। उसके बाद दो ही एलिमेंट थे तो और इसमें एलिमेंट थे नहीं, तो आप आपका लूप टर्मिनेट हो गया, टोटल वैल्यू प्रिंट होगी आपकी कितनी, थर्टी, ठीक है, थर्टी। इसी तरह से आप अगर इसको पास करोगे तो ये चारों वेरिएबल टपल्स के अंदर जाएंगे, चारों वैल्यू टपल्स के अंदर जाएगी, और वन बाई वन ए से देते रहेंगे और टोटल में जोड़ते रहेंगे, ठीक है? टोटल में जुड़ता रहेगा ए, जो भी नई वैल्यू मिलती रहेगी उसको टोटल में जोड़ते रहेंगे, टोटल में हमारा सारा कंप्लीट टोटल इकट्ठा हो जाएगा, और उसको हम टोटल को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्लियर है? ये है आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है? हम इसमें कितने पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी, ठीक है? और इंटरनली क्या इंप्लीमेंट करता है, ये इंटरनली टपल्स को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है जी? अब इसी में देखते हैं कुछ आगे। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा मिक्स कर रहा हूं। मिक्स मतलब आपने एक फंक्शन लिया डी एफ एफ वन, एफ वन एक फंक्शन लिया, उसमें पास कर दिया एन वन और स्टार एस, ठीक है? और मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट एन वन, और फोर लूप लगाया, फोर ए इन एस, और प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट करा दिया ए, ठीक है? अब मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूं, आप मुझे आउटपुट बताओगे क्या आएगा। मैंने पैरामीटर पास किया टेन, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा भाई, बोलो। सिर्फ टेन पास किया, क्या वैल्यू आएगी आपकी, टेन ही आई। कैसे आई, देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो टेन है ये टेन गया इसमें एन वन में, और एस वन क्या है, एस वन आपका एक टपल्स है इम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपका जो फोर लूप चला उसे पूछा एस में कोई एलिमेंट है, उसने कहा नहीं है मेरे पास, तो नहीं है तो आपका लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये लूप चला ही नहीं, ठीक है जी? नेक्स्ट टाइम मैंने पास किया इसमें टेन और ओम, यस, बोलो क्या आउटपुट आएगा। बताइए, टेन ओम, क्या आ गया आउटपुट, टेन और ओम। अब देखो ये क्या कैसे हुआ, आपका जो टेन है ये गया एन वन के अंदर, और ओम की जो वैल्यू है किसमें गई, एस में, टपल्स के अंदर। तो एन वन आपका कितना है, एन वन हो गया आपका टेन, टेन प्रिंट हो गया, ठीक है? एस के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आई ओम, ठीक है, एक वैल्यू आई टपल्स के अंदर, क्लियर है? अब मैंने इसके अंदर पास किया, सपोज टेन
10, 20, 30, 40, बोलो क्या आउटपुट आएगा मुझे बताओ। एन वन के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी और एस के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जाएगी? यस, ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके 10, 20, 30, 40 है ना। ये 10 किसके अंदर गया? एन वन में, और ये जो वैल्यू थी 20, 30, 40 ये किसमें गई? इसके अंदर। क्लियर है? ओके, अब मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज कर दी, ये मैंने ले लिया एन वन और यहां ले लिया एन वन। अब मैंने पास किया 10, 20, 30, 40, बोलो प्रिंट होगा या एरर आएगी? एन वन क्या है? पोजिशनल है। एन वन क्या है? पोजिशनल है, एरर आएगी। ठीक है, यह आ गई आपकी एरर। अगर आपको यहां पर एन वन लेना ही है तो यहां पर मेंशन करो कि एन वन आपका 40 है, यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब यह आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे? तभी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हुआ? इसको क्या बोलते हैं, इस आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं जिसमें एन वन इक्वल टू 40 लिखा, इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। ये हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो अगर आप एन वन को लेना चाह रहे हो, अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 40 तो एरर आएगी, है ना। अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया एन वन इज इक्वल टू 40, तभी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे? ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट हुई? N1 की वैल्यू 40, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? 10, 20, 30। ये 10, 20, 30 किसके अंदर गए? S के अंदर। समझ रहे? तो ये सीक्वेंस आपकी मैटर करती है। ठीक है जी, N1, अगर आपने N1 यहां पर ये नहीं लिया तो ये पोजिशनल है। अगर आपने N1 यहां पर ऐसे ले लिया, सॉरी, आपने अगर N1 इस तरह से लिखा तब ये कीवर्ड है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। समझ रहे? इनको ध्यान रखना, कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं लेकिन पोजिशनल आर्गुमेंट आप बाद में नहीं पास कर सकते, इसको पहले ही पास करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलो ओके, अब बात करते हैं। मैंने लिखा DEF इज इक्वल टू, एक फंक्शन लिया डिस्प्ले, ठीक है, इसमें मैंने लिखा **K। अब ये क्या बीमारी है? **K, समझ रहे? इसको समझते हैं, ** का क्या मतलब है। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, उसे थोड़ा ध्यान से देखना। यानी कि ये आपकी दो वैल्यूज हैं, दो स्टार का मतलब दो, एक कीवर्ड और एक वैल्यू मिलेगी, कीवर्ड और वैल्यू, और उसका नाम क्या होगा? के। हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें की और वैल्यू होती है? वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था? वो कोई बताएगा? गुड, डिक्ट डेटा टाइप। हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है? डिक्ट डेटा टाइप। डिक्ट डेटा टाइप में मैंने बताया था उसमें दो चीज होती है, की और वैल्यू, ठीक है। तो की और वैल्यू को कैसे लेंगे? अगर आपको की और वैल्यू चाहिए, है ना, तो की और एक वैल्यू ये हम लेंगे इन आपका जो भी है, सपोज की डॉट आइटम्स है। अब देखना, इसको मैं समझाता हूँ कैसे चलाऊ, मैं इसको समझा देता हूँ तुम्हें। और प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट करा दिया के और वी प्रिंट कराया, ठीक है, और आपका मैंने पास कर दिया कौन सा फंक्शन है? डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आपने की दी, देखो क्या दिया, एक तो दिया रोल नंबर, रोल नंबर दे दिया 101, ठीक है, नेम दे दिया ओम, ठीक है, और एक ले लिया मार्क्स, मार्क्स ले लिए 70,
है ना, 70, ठीक है। और सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया क्या, पाइथन, पाइथन ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अगर आपको की पास करनी है तो ध्यान से देखो, ये जो रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है, सब्जेक्ट है, ये तो सारे जाएंगे के अंदर, ठीक है। और जो 101, ओम, 70 और ये पाइथन, ये जाएंगे किसके अंदर, वी के अंदर, ये वी के अंदर जाएंगे। तो के की वैल्यू सबसे पहले क्या वैल्यू, अरे ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा से। अगर आप यहां पर, ये कौन से आर्गुमेंट्स हैं, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, इनकी की और वैल्यू है, इनको कीवर्ड आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स और सब्जेक्ट हैं, ये आपके जाएंगे के के अंदर, ठीक है। और जो आपकी वैल्यूज हैं, समझ रहे, ये किसके पास जाएंगी, ये जाएंगी वी के पास सारी की सारी। तो होगा क्या, जैसे ही आपने आर्गुमेंट पास किए, रोल नंबर 101, नेम ओम, मार्क 70, सब्जेक्ट पाइथन, तो क्या हुआ, आपका एक की, एक के, एक डिक्ट टाइप का डेटा टाइप बना। कौन सा, डिक्ट डेटा टाइप बनाया आपका, सारे के सारे की वैल्यू पेयर इसके अंदर आ जाएंगी। ये भी आपका रोल नंबर है ना 101, और जो भी तुम्हारी एंट्रीज हैं, नेम, मार्क्स, सब सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगी सारी एंट्री आपकी के अंदर। अब केस है, हमने सारे आइटम लिए, पहला आइटम लिया, पहला आइटम क्या आपका, रोल नंबर और 101। तो पहला आइटम जो रोल नंबर था वो किसके अंदर चला गया, के अंदर। और पहला आइटम क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, 101। 101 किसके अंदर चली जाएगी, ये 101 आपकी चली जाएगी वी के अंदर। तो प्रिंट हो जाएगा आपका के और वी, के की वैल्यू रोल नंबर 1। इसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, नेम और ओम, नेम किस में चला जाएगा, के अंदर, और ओम चला जाएगा वी के अंदर। तो के और वी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, है ना, तो रोल नंबर 101, नेम ओम, सब्जेक्ट 70, ओ सॉरी मार्क 70, सब्जेक्ट पाइथन, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आप पोजिशनल पैरामीटर पास करते हो, सुना ध्यान से, तो आपका इंटरनली क्या इंप्लीमेंट होगा, टपल्स, समझ रहे हैं। अगर आप क्या यूज कर रहे हो इंटरनली, सॉरी, अगर आप पोजिशनल आर्गुमेंट पास पास कर रहे हो यहां पर, पोजिशनल, ठीक है, तो आपके सारी के सारी वैल्यू के अंदर किस में जाएंगी, आपकी टपल्स के अंदर। अगर आप कीवर्ड वैल्यू पास कर रहे हो, कीवर्ड उसकी वैल्यू, कीवर्ड उसकी वैल्यू, कीवर्ड और उसकी वैल्यू, तो ये किसके अंदर जाएगी, डिक्शनरी के टाइप, डिक्शनरी डिक्ट टाइप के अंदर जाएगी। और डिक्ट के साथ दो स्टार लगते हैं आपके, कितने स्टार लगते हैं, दो, ये ध्यान रखना, और टपल्स में सिर्फ एक लगता है। क्लियर है या नहीं, हम इस तरीके से भी अब क्या पास कर सकते हैं, इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते, ठीक है। ओके, ये था आपका डिक्टेड डेटा टाइप।